खड़े अंधेरी पश्चिम स्थित चार बंगला के गुरुद्वारे के बाहर और यहाँ पे गुरु नानक पर्व मनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे को पूरी तरह सजा दिया गया है और साथ ही साथ इस पर्व में काफ़ी सारे श्रद्धालु भी जुड़ चुके हैं। आइए श्रद्धालु से जानते हैं कि उनकी इस पूरे पर्व पे क्या राय है। सर आपसे जानना चाहेंगे हम कि इस पर्व को किस तरह मनाया जाते हैं और क्या क्या अन्य कार्यक्रम हुए थे। जी, गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पे वर्ल्ड ओवर जितने भी गुरुद्वारे हैं हर जगह लंगर दिया जाता है, पाठ किया जाता है और किसी डिवोटी को कोई कुछ नहीं, कोई भी आ सकता है गुरुद्वारे में अपनी श्रद्धा, जिसकी फेथ है, जो बैठना चाहता है, लंगर खाए, पाठ सुने, गुरबानी सुने एंड बस जो सिखिज़म का मेन मोटिव है पीस, हर जगह शांति एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। तो ऐसे ही गुरुपुरब मनाते हैं हर जगह और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बस यही है। और हम भी गुरुपुरब मनाने आए हैं एंड अभी जाएंगे, सेवा करेंगे और लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे एंड बस सेवा करते हैं जी, बस हाथ जोड़ के सेवा करनी है लोगों की, वही करते हैं, उसी के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, निर्भो निर्वैर बस। अभी आप खड़े हो गुरुद्वारे के सामने, सभी धर्म मानते हैं, सिंधी से लेके मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म गुरु नानक देव जी को मानते हैं और मानना ही चाहिए ना, और क्या। इस पर्व पे कितने खास कार्यक्रम का आयोजित होता है, इसके बारे में क्या आप थोड़ी जानकारी दे पाएंगे हम लोग को। लंगर होता है जो हमारे सिख धर्म में सबसे स्ट्रेट, गुरु नानक देव जी ने बोला है कि लंगर सबको होना चाहिए, और कीर्तन होते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी उन्होंने क्या क्या किया हर धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में क्या हुआ क्या नहीं वो सब बताते हैं। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा आप हमें बता पाएंगे गुरु नानक जयंती के पर्व के। देखिए, इतिहास तो ऐसा है कि हमारा जो मेन गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान में है, ननकाना साहब जो गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान होने के बाद में वो वहाँ रह गया, लेकिन आज भी सबसे पहले गुरु हमारे वही थे जिन्होंने सिख धर्म शुरू किया। ये हमारे गुरु नानक जो है वो 1510 के बीच में थे और बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है इन्होंने, सिखिज़्म का एस्टेब्लिशमेंट किया और उसके बाद 10वें गुरु जो है वो हमारे गुरु गोविंद सिंह और गुरु ग्रंथ साहब हुए, उसमें जितनी लेटेस्ट फिलॉसफी सब धर्मों को मिला के थी वो इन्होंने इन 300-400 वर्षों में इस सिख रिलीजन ने सारी दुनिया के सामने पेश की, विच ओनली टीचेस यू हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान कैसे बनना है, एक दूसरे के साथ अच्छाई कैसे करनी है, इसका मतलब यही है सिखिज़्म, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो ही अच्छे इंसान बन सकोगे। हम लोग सब स्टूडेंट हैं, सिखिज़्म के फॉलोअर्स हैं एंड नानक गुरु नानक देव जी वो तो कमाल है, मतलब इतने एनलाइटेंड थे कि सारी दुनिया उनको उस वक्त फॉलो करती थी जबकि देयर वाज नो मीडिया नथिंग, लेकिन ये कमाल है उनका कि उनको सारे फॉलो करते थे। कोई खास संदेश आप श्रद्धालुओं को देना चाहेंगे इस पर्व पर। बस प्यार कीजिए एक दूसरे से, कोई दुश्मनी मत रखिए, कोई दंगा फसाद मत कीजिए, हर धर्म जो है वो यही सिखाता है कि अच्छे इंसान बनो, कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता, तो आप इंसान अच्छे इंसान बनोगे तो ही अच्छाई है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ गुफी बेंटल, जिसे आप शकुनी मामा के नाम से जानते हैं, तो बड़ा प्रसन्नता हुई कि आप लोग गुरु नानक देव जी के बारे में आप इतना ज्ञान सुनना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगा, और आप लोग सब अच्छे इंसान बने तो भगवान अपने आप सब कुछ अच्छा करता रहेगा आपके साथ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस पर्व को आप अपने किस तरीके से मनाते हैं। सर, हम वाहेगुरु के नाम से हम मनाते हैं और ये हमारे पूरे इंड वर्ल्ड में वाहेगुरु हैं, तो इनका आज गुरु नानक जयंती जी हैं, तो हर धर्म को कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, हर आदमी अपने मज़हब से अपने हिसाब से पूजते हैं, जो कि हम भी हरियाणा से हैं, हम भी वाहेगुरु को मानते हैं, हम वैसे भोले भगे भगत हैं, लेकिन मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद को इंशाल्लाह के नाम से हम पुकारते हैं, तो धर्म कोई बुरा नहीं होता, हर इंसान का अपना अपना धर्म है पूजते हैं, लेकिन किसी धर्म से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। और सर, वाहेगुरु की कृपया से हम मुंबई में आए हैं तो यहाँ हमें काफ़ी कुछ मिला है,
जो हमारा एक मकसद था फिल्मी लाइन में, हम एक मूवी बना रहे हैं जो कि आगे उसको रिलीज। कोई ऐसा खास संदेश जो आप सारे श्रद्धालुओं को देना चाहेंगे या सारे भक्तों को? पूरे वर्ल्ड को सर मैं चाहता हूँ, हर धर्म कोई बुरा नहीं होता, उसको सिर्फ मानने का और नज़रिया क्या होता है, हर इंसान एक धर्म पे लड़ाई करता है तो वो गलत है। हम मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो मस्जिद वो भी हमारा धर्म है, वो उनका धर्म है, हैं तो हम भाई सभी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक धर्म होते हैं। इंसान पैदा करने वाला एक होता है, वो मानना अलग अलग अंदाज से होता है, तो इसमें कोई बुरा ही नहीं, कोई धर्म बुरा नहीं होता, हर धर्म अच्छा होता है। सारियानु सत श्री अकाल, मेरा मैं जीत राय सिंह। गुरपुरब हमारा बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, सब एक गुरपुरब, जैसे कि हम एक दूसरे को मिला के रखना चाहते हैं, एक सिख जो परिवार चला आया शुरू से एक हिंदू धर्म के हिसाब से, तो हम हमेशा फेस्टिवल एक ऐसा रहता है गुरुद्वारे में जैसे कि सबको मिलन जुलन, जिस जहाँ गुरुद्वारे एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सिख भी धर्म आते हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स भी आते हैं, हर धर्म का, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सबको एकजुट करने का मकसद है सिख धर्म का, जो जिसको गुरपुरब बोलते हैं। आज गुरुद्वारे में पूजा भी होगी, लंगर भी होगा, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, पाठ होगा, कीर्तन होगा गुरुद्वारे में। तो इस पर्व को किस खास संदेश के साथ मनाया जाता है? हर फेस्टिवल का मतलब यही है हमारे इंडिया में कि शांति से रहा जाए, मिलजुल के रहा जाए, एक दूसरे के प्यार रहा जाए, मतभेद नहीं किया जाए। जो उद्भव चल रहा है, जो उतार चढ़ाव चल रहा है हमारे शहर में, हमारे देश में, वो सब ना रहे। मेन मुद्दा यही है, किसी भी फेस्टिवल के पीछे यही एक मैसेज रहता है कि सब मिलजुल के रहें, स्वार्थ ना हो किसी का भी, किसी से प्यार से बात करने के लिए। तो गुरपुरब का यही है कि आप भी आइए गुरुद्वारे में, माथा टेकिए और गुरपुरब जी को प्रणाम कीजिए, वाहेगुरु जी को, और आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए। और इस पर्व के बारे में थोड़ा हमें संक्षेप में बताइए कि इसका इतिहास क्या है और इसको किस तरह से मनाया जाता है। देखिए, जो गुरु नानक जयंती है, ये हमारे पूर्वज जो हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, उनके यहाँ से मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी इसके बारे में काफ़ी लोगों को सूचना देते हैं, काफ़ी लोगों को बताते हैं कि गुरु नानक जी कौन थे। एक मानवता के आदमी थे जो चाहते थे कि सब लोग साथ रहें, सबका साथ हो, सबका साथ में विकास भी हो। इसके लिए वो जगह जगह गए थे, लोगों को समझाया कि हम सब एक हैं, कोई सब बराबर है, कोई हमसे बढ़कर नहीं है और भगवान एक ही है, ये इसके बारे में हम इतना ही जानते हैं। कोई खास संदेश आप इस पर्व पे अपने श्रद्धालुओं को देना चाहेंगे? जी, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग आजकल मानवता को भूल रहे हैं। अगर लोग मानवता को ना भूलें, सबका साथ रहें, सबके साथ प्रेम करें, साथ में रहें, यू नो, मिल बांट के खाना पीना खाएं, तो ये मुझे लगता है कि आज ये दुनिया में थोड़ा हम लोग और अच्छा अपने आप को बना सकते हैं बेहतर। और गुरु नानक जी के आज पर्व है, तो मैं सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, सारे श्रद्धालुओं एकता, प्यार, मोहब्बत का संदेश लेके इस पर्व को मना रहे हैं। इस एकता के साथ ही इस दुनिया में हर किसी को रहना चाहिए। इन 24 न्यूज़ भी सारे श्रद्धालुओं को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभेच्छा देता है और ये उम्मीद करता है कि प्यार मोहब्बत इस दुनिया में कायम रहे। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।